बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राई किचन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ कोकोनट मिल्क शेक बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही मज़े का होता है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। चैनल के ऊपर डिफरेंट मिल्क शेक, जूसेस और शरबत की रेसिपी हमने शेयर की हुई हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आप उनका विज़िट भी करें और हमें कमेंट करके बताएँ। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनता है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करना। इसके लिए हमने कच्चा खोपरा लिया है, इस तरीके से उसको गिरी निकाल ली इसके बीच में से, और गिरी के ऊपर वाला छिलका जो है वो उसको उतार लेना है। ऊपर वाला छिलका उतार के, ये नरम होता है बिल्कुल, बड़ी आसानी के साथ ही उतर जाएगा। ऐसे ये बारीक छिलका इसका उतार लें और उसके बाद इसको कश करना है। उतारने के बाद इस तरीके से इसको कश कर लें। ये देखें, कश किया हुआ नारियल है, इसके साथ एक गिलास ठंडा पानी, पहले इसमें कश किया हुआ नारियल डालेंगे जग में। इसमें एक गिलास पानी का कुछ उसमें पानी डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब इसको छलनी की मदद से छान लें। ये देखिए, ये इसका नारियल का जो पानी है वो निकल आया। अब इसको दोबारा जग में डालेंगे, उसके अंदर दूध डाल लेंगे। अब ये देखिए, एक गिलास दूध डाला है ठंडा, और उसके साथ ये नारियल का पानी जो भी निकाला था वो डाल दिया है। इसके साथ चीनी 3 टेबलस्पून तकरीबन डालें, और इसके साथ बर्फ़ इसमें ऐड करेंगे। बर्फ़ बारीक की हुई है, ये देखिए, ये बर्फ़ डाल दी है। इसके बाद इसको ग्राइंड करें तो ये हमारा नारियल का मिल्क शेक रेडी हो चुका है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करना। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह।